एसटीवी न्यूज सूरत, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सरकार के लिए बहुत कठिन समय था, हमारा टैक्स आना बंद हो गया था, लोगों को चिंता लगने लगी कि ये जो बिजली फ्री मिलती है ये बंद तो नहीं हो जाएगी, ये जो पानी फ्री मिलता है ये बंद तो नहीं हो जाएगा, कोरोना का पैसा नहीं आ रहा, अखबार में पढ़ते थे टैक्स नहीं आ रहा सरकार का। लेकिन हमने जो भी किया, अच्छा मैनेजमेंट करके, अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके, हमने इंश्योर किया कि लोगों की बिजली और लोगों को पानी जो दिल्ली के अंदर फ्री मिलता है वो फ्री मिलता रहा। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, पिछले बिलिंग साइकिल में दिल्ली में टोटल 52 लाख डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं दिल्ली में। पिछली बिलिंग साइकिल में इन 52 लाख में से 38 लाख परिवारों के जीरो बिजली के बिल आए हैं, 73% दिल्ली के जीरो बिजली के बिल आए हैं। हमारी सरकार बनने के पहले 2014 की गर्मियों में मेरे को याद है 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगा करते थे। पिछले 6 साल में दिल्ली के लोगों के लिए समुचित बिजली का इंतजाम किया, जितने खराब ट्रांसफार्मर थे, केबल थे, सब बदले, खड़े होके बदलवाए। आज दिल्ली के लोगों को 24 घंटे बिजली मिलती है और फ्री बिजली मिलती है, ये दुनिया के 8वें अजूबे जैसा है। फ्री बिजली मिलती है, 24 घंटे बिजली मिलती है। ऐसे कई राज्य हैं देश में जो अपनी बिजली बनाते हैं, दिल्ली तो अपनी बिजली भी नहीं बनाती, हम बाहर से दूसरे राज्यों से बिजली खरीदते हैं, महंगी बिजली खरीदते हैं, फिर भी अपने लोगों के लिए 24 घंटे बिजली का इंतजाम कर दिया और फ्री बिजली दे दी। ऐसे कितने राज्य देश के अंदर जो अपनी बिजली बनाते हैं फिर भी उनके यहाँ इतने पावर कट लगते हैं, फिर भी उनके यहाँ बिजली इतनी महंगी है। पिछली बिलिंग साइकिल में दिल्ली में 25 लाख पानी के डोमेस्टिक उपभोक्ता हैं, जिसमें से 14 लाख लोगों के पानी के जीरो बिल आए, लगभग 56% लोगों के दिल्ली में पानी के बिल जीरो आए हैं। अब हमारा पानी विभाग, उनके साथ मेरी कई मीटिंग्स हो चुकी हैं, पूरी मुस्तैदी के साथ हमारा जल बोर्ड काम कर रहा है और उन्होंने पूरा खाका तैयार किया है कि जैसे दिल्ली में बिजली का 24 घंटे इंतजाम किया है, अब पानी का भी 24 घंटे इंतजाम करना है और आने वाले सालों के अंदर हम अपना ये लक्ष्य पूरा करेंगे जब हम दिल्ली के लोगों को 24 घंटे पानी देंगे। कुछ साल पहले हम लोगों ने अपने जाबाज पुलिस वालों के लिए, अपने जाबाज सैनिकों के लिए, अपने जाबाज फायर सर्विस के जवानों के लिए एक योजना चालू की थी। हमारी सरकार बनने के पहले इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता, मुझे बताया गया कोई योजना होती थी जिसमें एक सिलाई मशीन उसके परिवार को दी जाती थी, तो उनके 1-1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देने का सरकार ने निर्णय किया। पिछले कुछ सालों के अंदर जब से स्कीम लागू हुई है, हम 19 दिल्ली पुलिस के जवानों को 1-1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दे चुके हैं, 6 फायर सर्विस के जवानों को ये राशि दी जा चुकी है और 3 बॉर्डर के ऊपर दिल्ली के रहने वाले सैनिकों के शहादत के बाद सम्मान राशि दी जा चुकी है। मार्च के महीने तक एक बहुत ही बड़ी योजना, जो हमारा एक सपना थी कि गरीबों को जो सरकार राशन देती है, गरीब आदमी को राशन की दुकान पे जाना पड़ता है, लाइनों में लगना पड़ता है, कई बार राशन की दुकान खुलती नहीं है, कभी कभी राशन की दुकान वाला बदतमीजी करता है, कभी कभी उसको पूरा राशन नहीं मिलता, 100 तरह की समस्याएं होती थी। मुझे खुशी है कि मार्च के महीने तक डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन चालू कर दिया जाएगा, जिसमें सरकार अब लोगों को राशन की दुकान पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको 25 किलो गेहूं और 10 किलो चावल मिलना है तो 25 किलो की एक शानदार पैकिंग में आपकी साफ सुथरी गेहूं या आटा और 10 किलो चावल की एक बोरी बना के आपके घर डिलीवर करा दी जाएगी, आपको किसी दुकान के पास, दुकानदार के पास जाने की जरूरत नहीं है, कहीं लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है अपने आप में ये एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम होगा पूरी राशन व्यवस्था को बदलने के लिए।